गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है मंडे और मंडे में आज हमारा चेस्ट डे। तो आज मेरा पार्टनर विकास तो जा नहीं रहा मेरे साथ क्योंकि वो है कॉलेज में, तो मैं ही निकल रहा हूँ अकेला। देखते हैं जिम में कौन मिलता है हमें। सो ब्लॉग में बने रहिए। और मैंने कल अपलोड किया था हरिद्वार का ब्लॉग, मैं हरिद्वार घूमने के लिए गया था, तो जाके जल्दी से उसको देखिए और उस ब्लॉग में बने रहिए। अब मिलते हैं जिम में। मैं आ चुका हूँ जिम, बट जिम बंद था तो मैंने अभी ओपन किया है इसको। और आप देख सकते हैं अभी चारों तरफ अंधेरा है, कोई नहीं आया हुआ है जिम में, सिर्फ मैं आया हुआ हूँ। तो लाइट्स ऑन कर लेते हैं, पहले लाइट्स ऑन करते हैं फिर करते हैं जिम स्टार्ट। मुझे नहीं पता कहाँ से ऑन होती है सारी लाइट्स। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ अकेला, क्योंकि जब तक मैं आता हूँ जिम खुल जाता है, कोई ना कोई खोल ही देता है। सो सारी लाइटें मैं ऑन करके करता हूँ एक्सरसाइज और मिलूँगा आपसे 2 मिनट बाद। ये बच्चे आ गए थे तो मैंने एक्सरसाइज कराने के लिए लग गया था, क्योंकि परेशान कर रहे थे तो मैंने सोचा इनको एक्सरसाइज करा देता हूँ ताकि थक जाएँ और शांत हो जाएँ। लेकिन ये फिर भी नहीं माने और थोड़ी देर बाद फिर एक्सरसाइज करने में मेरे को आ गए थे परेशान करने के लिए। तो मैं लास्ट में बस इसलिए इनसे यही कहना चाहूँगा, भाई अरे भैया आगे बढ़ ले। फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए लग जाता हूँ। मैंने पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की थी। पुशअप्स किए थे मैंने 3 सेट, पहला सेट था 50, दूसरा था 40 और तीसरा था 30 रेप्स का। सेकंड एक्सरसाइज की थी मैंने बारबेल बेंच प्रेस, इसके मैंने 3 सेट लगाए थे। थर्ड एक्सरसाइज की थी मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस, इसके मैंने 3 सेट्स लगाए थे। सो लास्ट में मैंने जाने से पहले की थी प्लैंक की एक्सरसाइज 2 सेट्स। जो पहला सेट था वो था 1.5 मिनट का और दूसरा सेट था 1 मिनट का। सो गाइस वर्कआउट हो गया है, अब निकलना है घर के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।